जनता के द्वारा जनता की सरकार, आप डेमोक्रेसी की परिभाषा देखिए, जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी, कहीं पर नेता वर्ड नहीं है, नेता की सरकार नेता के लिए नेता के द्वारा नहीं चुनी गई, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई, तो जनता की लाठी जनता के द्वारा जनता के प्रतिनिधि पर क्यों नहीं चलती है? जब आप विधानसभा से वापस आए शनिवार इतवार को विधानसभा खत्म करके, तो आप सब लोग अपने विधायक के यहाँ क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करने गए? वो अगर FIR करा के दिखा दे मुझे बता देना, आप क्षेत्र की जनता अपने आप उद्देलित होके क्यों नहीं उनके घर के आगे घेराव कर लिया, क्यों नहीं उनके आगे जनता का प्रदर्शन कर दिया? जब वो जनता दरबार लगाने बैठे तो उनके जनता के दरबार में माला पहनाने वाले कम, उनसे सवाल करने वाले ज्यादा हो जाए, वो विधानसभा जाना बंद कर देंगे, वो डरेंगे कहीं मेरी फोटो नक्शे चली जाए लोगों के पास कि आप बैठे थे विधानसभा, आप उसे राजा क्यों बना लेते हैं? हाई कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, नेता राजा नहीं नौकर है, IAS IPS नौकर है आपके, आप उन्हें राजा मानते हैं, आप उनके आगे आगे दौड़ने लगते हैं सेल्फी लेने के लिए, विरोध करिए शहजादी मेरी बहन छोटी बहन, आप सब लोग जनता के द्वारा है, जनता का प्रतिनिधि है, फिर 5 साल आएगा, इससे पहले उसे जागरूक तो करो, विधानसभा उसने किस बात पर तालियां बजाई, क्यों नहीं आपका सवाल उठाया, और ये मामले ऐसे हैं, शिव कुमार मिश्रा जी ने ऐसा कोई मामला अब तक की डिबेट में अपने जीवन काल में नहीं उठाया जो किसी एक व्यक्ति से संबंधित हो, सदैव ऐसे मामले उठाए जो हर विधानसभा क्षेत्र में उनके पीड़ित पीड़ा दर्द वाले लोग सैकड़ों हैं, और सैकड़ों अगर पहुंच जाएंगे, सैकड़ों अगर विधानसभा में पहुंच जाएंगे, 450 विधायक हैं और 9.5 लाख दरोगा भर्ती वाले मामले हैं, बांट लो 450 विधायकों में कितने कितने दरोगा भर्ती वाले पड़े, 30,000 अनुदेशक है 450 विधायक है, बांट लो संख्या कितने कितने विधायकों के जिम्मे अनुदेशक पड़े, जाके बैठ जाओ लगा के मोर्चा उनके घर के आगे, अरे जीना दूभर हो जाएगा, लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज है, जनता का दबाव बड़ी चीज है, आप मानते नहीं इस बात, ये चीज होनी चाहिए, ये करना चाहिए, जब आप ये करेंगे आप विरोध प्रदर्शन केवल उस पर देखने से नहीं होगा, आप लोग वहाँ उन्हीं से खाएं, उन्हीं के घर पे मंगाएं, उन्हीं का पानी पिए और उन्हीं के घर पे रहें, वहाँ अगर कोई विधायक आपके खिलाफ क्षेत्र FIR इको गार्डन में तो लिखाई जा सकती है, ऐसा ही दरोगा के प्रदर्शन करने वालों पर इको गार्डन में तो गिरफ्तार किए जा सकते हैं लखनऊ में, लेकिन अपने क्षेत्र में अपने घर पर अपने घर के सामने से किसी विधायक की हिम्मत नहीं है कि आपके शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलने की जरूरत कर ले, कोई हिम्मत नहीं कर सकता अपने विधानसभा क्षेत्र में, बस उसके घर के आगे आप बैठिए, उसके घर के आगे अपने अपनी कुर्सी ले जाओ, कुर्सी ना दे अपनी कुर्सी ले जाओ, अपने आप पल्लिया ले जाओ, बिस्तरा ले जाओ, वहीं बैठ जाओ, रात में भी रुको वहीं, दिन में भी रुको, खाना ना खिलाए अपना खिलाओ, अरे गांव वाले ना लोग उसे मारने लगे, उसके शहर वाले ना उसे मारने लगे, उसके रिश्तेदार ना उसे जूते मारने लगे, तो आप मेरा नाम बदल देना, विरोध प्रदर्शन का तरीका तो आप समझ लो, आप समझ लेते वो जीत गया, भाजपा से जीत गया, उसे गनर मिल गया, अरे गनर की गोली आप पे चल के तो दिखाए, गनर की पट अगर आपके कंधे पे लग जाएगी, उससे इतना भी मीडिया गिरा हुआ नहीं है, इतना भी बिका हुआ नहीं है कि आपकी बात ना छपे लोकल अखबार में, लोकल अखबार छापेगा कि विधायक ने ऐसा व्यवहार किया है, विधायक ने ऐसा व्यवहार किया अपनी जनता के साथ, ये जब आप ऐसा करें, भाई मिश्रा जी तो अपना मुद्दा उठाते हैं, आप पे जाकर दिलाते हैं, आपकी बात को करते हैं, इको गार्डन में FIR आसान है, जंतर मंतर पर FIR आसान है, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में जब घटना स्थल लिखा जाए, विधायक का निवास स्थान, घटना स्थल विधायक का निवास स्थान, विधायक का कार्यालय, विधायक का कार्यालय, घटना स्थल विधायक का निवास स्थान, साहब अखिलेश को भी अपना चाचा भतीजा का प्यार छोड़ के प्रदेश की जनता की बात करनी पड़ेगी, अखिलेश को भी सफाई हो रहा है, और आपके पास इतना संख्या बल है, लेकिन फिर भी आप कमजोर पर जाते हैं, वहां जमो, वहां आपको वहां कोई नहीं रोकेगा, इको गार्डन में रोक लेंगे, विधानसभा के आगे रोक लेंगे, योगी जी के निवास स्थान से पहले रोक लेंगे, लेकिन जब सारे विधायक निकलने मत दो, विधानसभा चलने वाली हो, आप उनके घर के चारों ओर बैठ जाओ, घेर चारों ओर घेर के बैठ जाओ कि हम नहीं जाने देंगे आपको विधानसभा, हम नहीं जाने देंगे, और ये काम केवल सत्ता पक्ष के साथ नहीं करना है, जो तिगुने विधानसभा
सदस्य बन के आए हैं सपा के, उनके घरों पे भी करना है कि तुम भी जाओ तो तुम क्या करोगे, तुम किस तरह की बात करोगे। और अगर कोई आंदोलनकारी 10-15 किलोमीटर की रेंज में नहीं जा सकता है तो फिर बात करना भी उसका बेकार। गीता की किताब ले जाओ और वहां पर कहो सबका साथ सबका विकास का एक बैनर ले जाओ और वहां ले जाके बैठ जाओ, साहब हम सबके साथ में हम हैं, सबके विकास के भागीदार हम। एक बार कहें जाके एक बार जब आप ऐसी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। विदेशों में भी बात होती है, फॉरेन के लोग जिनके पास समय कम है, अरे आप तो कम से कम 60 देशों की जनसंख्या वाले हैं, 150 करोड़ की जनसंख्या पूरी दुनिया के 60 देशों की जनसंख्या के बराबर है। 60 देशों में भी लोकतंत्र जिंदा है, जहाँ केवल 6 करोड़, 7 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़, 18 करोड़, ऐसे देश है संख्या के बल पे। आप तो 150 करोड़ की संख्या वाले देश में रहते हैं, आप तो 25 करोड़ की संख्या वाले प्रदेश के सदस्य हैं, आप में तो इतना जनसंख्या। और ना माने और उससे भी अधिक ना माने, अपने बूढ़े माता पिता को भी ले जाओ, अपनी पत्नी को भी ले जाओ, अपने बच्चों को भी ले जाओ, सबको वही बैठा दो, धूप में बैठो, बारिश में बैठो, सर्दी में बैठो। किसानों ने आपको दिखा दिया कि किसान कैसे बैठते हैं, किसानों ने आपको सर्दी गर्मी बरसात में बैठना दिखा दिया, सरकार को झुकाना दिखा दिया, सरकार को सामने लाना दिखा दिया। मोदी जैसा सशक्त व्यक्ति, दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले को किसानों के बिल वापस लेने पड़ेंगे। आप बनिए, हिम्मत बढ़ाइए, दिल्ली घेर ली, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह पाई कि हटिए, अंडमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नहीं कहा सड़कें खाली कर दो साहब, उन्होंने कहा ठीक है आंदोलन है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र जीवित रहेगा। अंडमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारी याचिका पे नहीं कहा कि ट्रैक्टर रैली दिल्ली में नहीं निकलेगी, उन्होंने कहा ट्रैक्टर रैली निकलेगी, वो बात अलग है, उसमें भी कुछ गतिरोध हुए, कुछ असामाजिक तत्व घुस गए, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कभी लोकतंत्र को नहीं रोकता है, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए काम करता है। इस तरह से ये काम करिए, आप इस तरह से मुद्दे उठाए हैं शिवकुमार मिश्रा जी ने, आप भी करिए। आप ये मत सोचिए कि वोट पड़ गए हैं,